गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम अपना फिफ्थ चैप्टर प्लेइंग इज़ फन स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेइंग इज़ फन, खेलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजाक है। मजाक मजाक में हम काफ़ी चीज़ें खेलते हैं और उससे हम कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। तो बच्चों, आप सभी को भी खेलना बहुत अच्छा लगता है। इन दिनों आप घर हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन आपका मन करता है खेलने को, तो थोड़ा टाइम आप घर में ही रह के कुछ भी खेल सकते हैं। घर से बाहर तो क्योंकि जाना नहीं है, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो इंडोर गेम्स हैं वो भी हम अपने घर में खेल सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ। ठीक है बच्चों? तो जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में गेम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे, विच गेम्स डू वी हैव इन स्कूल एंड एट होम? विच गेम्स डू वी प्ले इन स्कूल एंड एट होम? हम कौन से गेम्स स्कूल में खेलते हैं और कौन से घर पर खेलते हैं? वॉट थिंग्स आर यूज टू प्ले डिफरेंट गेम्स? और विभिन्न प्रकार के गेम्स होते हैं बच्चों, उनको खेलने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? वाई डू वी फाइट वाइल प्लेइंग? कई बार क्या होता है, खेलते खेलते हमारी लड़ाई भी हो जाती है, तो हम खेलते वक्त लड़ते क्यों हैं, इसका रीज़न जानेंगे। हाउ आर द रूल्स ऑफ गेम्स डिसाइडेड? और रूल्स ऑफ गेम्स, रूल्स के बच्चों, गेम्स के कोई कुछ नियम होते हैं, वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। वाई आर सम चिल्ड्रन स्टॉप्ड फ्रॉम प्लेइंग विद सर्टेन अदर चिल्ड्रन? कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलना बंद कर देते हैं, तो क्यों कर देते हैं ये भी देखेंगे हम। व्हेन डू वी फ्लाई काइट्स? हम अपनी पतंगे कब उड़ाते हैं? हाउ डू वी मेक देम फ्लाई? और हम उनको कैसे उड़ा सकते हैं? तो बच्चों, इस चैप्टर में आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं। द स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन। समर वेकेशन मीन्स गर्मी की छुट्टियाँ। गर्मी की छुट्टियों के लिए स्कूल बंद हो गया था। सुमित केम टू अमन्स हाउस टू प्ले। सुमित अपने दोस्त अमन के घर खेलने आया। अक्रम एंड गगन वर ऑलरेडी देयर। अक्रम और गगन पहले से ही वहीं थे। दे वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल। वे सभी फुटबॉल खेलना चाहते थे। बट देयर वॉज नो प्ले ग्राउंड नियर बाय। लेकिन घर के आसपास कोई प्ले ग्राउंड नहीं था। मोर एवर दे डिंट हैव अ फुटबॉल। और इसके साथ साथ उनके पास फुटबॉल भी नहीं थी। कैन वी गो टू द स्कूल टू प्ले? सैड गगन। गगन ने फिर कहा, क्या हम स्कूल खेलने जा सकते हैं? नो डियर, वी वुडंट बी अलाउड टू प्ले इन द स्कूल विदाउट आर टीचर। बिना हमारे टीचर के हमें स्कूल में नहीं खेलने दिया जाएगा, सेड अमन। अमन ने बोला। वाई आस्क सुमित? क्यों, सुमित ने पूछा। वॉट इफ द चिल्ड्रन स्टार्ट फाइटिंग वाइल प्ले? सेड अक्रम। अक्रम बोला, अगर किसी बच्चे ने खेलते वक्त लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तो? यू आर राइट, आप ठीक कह रहे। वॉट इफ द चिल्ड्रन स्टार्ट फाइटिंग वाइल प्लेइंग? सेट अक्रम। अक्रम ने बोला, अगर किसी बच्चे ने खेलते वक्त लड़ाई शुरू कर दी तो? यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं। देयर आर मैनी चिल्ड्रन हु स्टार्ट फाइटिंग वेन दे लॉस। कई बच्चे होते हैं यहाँ पर, जब वो हारते हैं या वो देखते हैं कि वो हारने जा रहे हैं तो झगड़ा शुरू कर देते हैं, सेट गगन। गगन ने बोला। यस एंड दे डोंट केयर अबाउट द रूल्स ऑफ द गेम। हाँ, और वो गेम्स के जो नियम होते हैं, खेलने के जो रूल्स बनाए गए हैं, उनका पालन भी नहीं करते हैं। दे ऑलवेज वॉन्ट टू विन, सेड अमन। अमन बोला, वो हमेशा जीतना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रोक। ऑल द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू द पार्क एंड फ्लाई काइट्स। सभी दोस्तों ने फिर ये डिसाइड किया कि वो पार्क में जाएंगे और पतंगों को उड़ाएंगे। लारा बनी एंड बनी बनीत वर ऑलरेडी देयर। लारा बनी एंड बनीत पहले से ही वहीं थे। दे वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। वो लुक्का छुपी का गेम खेल रहे थे।
अमन एंड गगन ब्रोट काइट्स एंड फ्लाइंग स्ट्रिंग्स। अमन एंड गगन ने पतंगे खरीदी और उनके ऊपर धागे बांधे। दे टाइड द स्ट्रिंग्स टू देयर काइट्स एंड स्टार्टेड फ्लाइंग द काइट्स। उन्होंने धागों को अपनी पतंगों के साथ अच्छे से बांधा और पतंगे उड़ानी शुरू कर दी। गगन्स काइट वॉज नॉट गोइंग अप। गगन की पतंग जो है ऊपर नहीं जा रही थी। रघु सन ऑफ अ लेबरर वॉज ऑल्सो प्लेइंग इन द पार्क। रघु एक बच्चा, उसके पापा मजदूरी करते थे, वो एक मजदूर का बेटा था, वो भी पार्क में खेल रहा था। ही केम टू हेल्प गगन। वो गगन की मदद करने के लिए आया। रघु वॉज वेरी गुड एट फ्लाइंग काइट्स। रघु पतंग उड़ाने में बहुत ही माहिर था, बहुत ही अच्छा था। ही केम टू प्ले विद देम एवरी इवनिंग। वो हर शाम को उनके साथ खेलने आता था। सुमित वॉज फीलिंग अनइजी प्लेइंग विद रघु। सुमित रघु के साथ खेलने में अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, उसको अनइजीनेस फील हो रही थी। हिज मदर हैड टोल्ड हिम नॉट टू प्ले विद पुअर चिल्ड्रन लाइक रघु। उसकी मम्मी ने उसको कहा था कि उन्हें पुअर बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, उसे जैसे कि रघु है। शी फेल्ट पुअर चिल्ड्रन वर नॉट गुड। उसकी मम्मी का मानना था जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छे नहीं होते। डू यू ऑल्सो थिंक द सेम। क्या आप भी से सोचते हैं? नहीं बच्चों, बच्चे सभी अच्छे होते हैं, सभी बराबर होते हैं, चाहे वो अमीर है या गरीब है, बच्चे बच्चे ही होते हैं। उनके मन में हमेशा सच्चाई होती है, वो हमेशा सच बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं, और दोस्तों में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। अमीरी देखकर हम दोस्त नहीं बनाएंगे, जो दोस्त हमें अच्छा फील कराता है, जिसके साथ हम कंफर्टेबल रहते हैं, जो हमारे सुख दुख में काम आता है, चाहे वो अमीर है या गरीब, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। कभी भी दोस्ती पैसों को देखकर नहीं होती है। बीइंग रिच और पुअर डज नॉट मेक अ पर्सन गुड और बैड। अमीरी और गरीबी एक व्यक्ति को अच्छा और बुरा नहीं बनाती है। नीदर द रीजन वेयर वन बिलोंग्स टू नोर द रिलीजन ही शी प्रैक्टाइसिस मेक्स एनी डिफरेंस। और ये भी कि वो किस रीजन से बिलोंग करता है, ये भी डिसाइड नहीं करता या वो किसी धर्म से बिलोंग करता है, नहीं, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। हमें कभी भी इन चीज़ों को बीच में अपनी दोस्ती के नहीं लाना चाहिए, ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल, सभी बच्चे बराबर हैं। सो वी शुड नॉट हेजिटेट टू बी फ्रेंड्स विद चिल्ड्रन हु आर पुअर और डिफरेंट कास्ट और रिलीजन। इसीलिए हमें कभी भी हेजिटेशन नहीं करना चाहिए किसी बच्चे को अपना दोस्त बनाने में, अगर वो गरीब है या किसी दूसरी कास्ट का या दूसरे धर्म का। ये चीज़ें हमें नहीं सोचनी चाहिए, हमें उसकी सच्चाई देखनी चाहिए, हमें उसकी अच्छाई देखनी चाहिए, और वो हमारे सुख दुख में काम आता है, हमें ये देखना चाहिए, वही हमारा दोस्त बनने लायक होता है। धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर कभी भी दोस्ती नहीं होती है। ये चीज़ बच्चों आप सभी भी अच्छे से याद रखना। काइट फ्लाइंग इज फन। पतंग उड़ाना भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। फ्लाइंग काइट्स एंड वॉचिंग कलरफुल काइट्स डांसिंग इन द स्काई इज ग्रेट फन। पतंग उड़ाना और आकाश के ऊपर रंग बिरंगी पतंगों को डांस करते हुए उड़ते हुए देखना बहुत ही मज़ेदार होता है। देयर इज़ नो पर्टिकुलर टाइम टू फ्लाई काइट्स। पतंग उड़ाने का कोई एक पर्टिकुलर समय नहीं होता है। कूल एंड विंडी वेदर इज़ गुड फॉर फ्लाइंग काइट्स। ठंडा और हवादार जो मौसम होता है, विंडी वेदर, वो पतंग उड़ाने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। देयर आर सर्टेन ओकेजन्स वेन एवरीबडी एन्जॉयज फ्लाइंग काइट्स। कई बार हमारे कई अच्छे ओकेजन्स आते हैं जिस पर हर कोई व्यक्ति पतंग उड़ाने का आनंद लेता है और मज़े लेता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन गुजरात एंड राजस्थान ऑलमोस्ट एवरीबडी फ्लाइट्स काइट्स ऑन मकर संक्रांति 14th January। उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान में मोस्टली व्यक्ति जो हैं मकर संक्रांति जो 14th January को होती है,
पतंगे उड़ाना पसंद करते हैं और उड़ाते भी हैं। इंडियंस सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त बाय फ्लाइंग काइट्स। और हम जो भारतीय हैं, हमारा स्वतंत्रता दिवस कब आता है? 15 अगस्त को आता है। उस दिन भी हम पतंगे उड़ाना पसंद करते हैं और अपने स्वतंत्रता दिवस को पतंग उड़ाकर मनाना पसंद करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। वी शुड फॉलो सम प्रिकॉशंस व्हाइल फ्लाइंग काइट्स। हमें पतंग उड़ाते समय कुछ सावधानियों का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ टॉप्स। हमें कभी भी घर की छतों के ऊपर पतंगे नहीं उड़ानी चाहिए। देयर इज अ डेंजर ऑफ फॉलिंग डाउन। वहाँ पर खतरा होता है गिरने का। इट इज ऑलवेज सेफ टू फ्लाई काइट्स इन एन ओपन ग्राउंड। और ये हमेशा सेफ होता है और सुरक्षित होता है कि हम ओपन ग्राउंड में पतंगों को उड़ाएं। कई बार बच्चों, जब हम छत पे पतंग उड़ाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान पतंग उड़ाने की तरफ होता है, बाउंड्री की तरफ नहीं होता, और पतंग के चक्कर में हम दौड़ना भी शुरू कर देते हैं तो हम ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। इसीलिए, और कई इंसिडेंट्स आपने सुने भी होंगे, इसीलिए कभी भी पतंग छतों पर नहीं उड़ानी चाहिए, हमेशा ओपन ग्राउंड में ही उड़ानी चाहिए। वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रोड्स। और हमें सड़कों के ऊपर भी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। ड्राइवर्स मे गेट डिस्ट्रैक्टेड और दे मे बी हिट बाय अ लैंडिंग लाइट काइट कॉजिंग सीरियस एक्सीडेंट्स। जो ड्राइवर्स होते हैं, रोड के ऊपर व्हीकल्स चलाते हैं, उनका ध्यान डिस्ट्रैक्टेड मीन्स भंग हो सकता है, जिसकी वजह से वो जो पतंग उड़ा रहे हैं उनके साथ उनकी टक्कर हो सकती है और कई बार क्या है, सीरियस एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए रोड पर भी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। वी शुड नॉट रन आफ्टर फॉलिंग काइट्स। जो पतंग कट कर गिर चुकी है, हमें उसके पीछे भी नहीं भागना चाहिए। वी मे गेट हिट बाय व्हीकल्स, ट्रीज और इलेक्ट्रिकल पोल्स ऑन आर वे। हमें चोट लग सकती है या हम उनसे टकरा सकते हैं। किन से? व्हीकल से, ट्री से या इलेक्ट्रिक पोल से हम टकरा सकते हैं जो कि रास्ते में होता है, क्योंकि आपका ध्यान ऊपर आकाश में गिरती हुई पतंग की तरफ होगा और आप पूरा फोकस उसी पे रखेंगे और अंधाधुंध बिना देखते हुए रोड पर भागते चले जाएंगे। कई बार क्या होता है, ड्राइवर के जो व्हीकल ड्राइवर है उसका बैलेंस नहीं बनता, ब्रेक नहीं लगती, आप उससे टकरा सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, किसी से भी टकरा कर चोट लग सकती है। गेम्स वी प्ले एट स्कूल। गेम्स जो हम स्कूल में खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले अ नंबर ऑफ गेम्स इन स्कूल। बच्चे स्कूल में काफ़ी तरह के गेम्स खेलते हैं। सम ऑफ द आउटडोर गेम्स प्लेड आर फुटबॉल, बास्केटबॉल, थ्रोबॉल, टेनिस, खो खो एंड क्रिकेट। कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, थ्रोबॉल, टेनिस, खो खो और क्रिकेट। ये ग्राउंड्स में ही खेले जाते हैं। स्कूल्स हैव बिग प्लेग्राउंड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले। स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए बड़े बड़े प्लेग्राउंड होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द स्पोर्ट्स मटीरियल फॉर प्लेइंग। और स्कूल जो है सभी मटीरियल्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को गेम्स खेलने के लिए। एवरी क्लास हैज़ अ फ्यू स्पोर्ट्स पीरियड्स इन अ वीक। हर क्लास में एक वीक में कुछ स्पोर्ट्स पीरियड भी लगते हैं। सम स्कूल्स ऑल्सो मेक अरेंजमेंट्स फॉर प्लेइंग इनडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस, चेस, जिमनास्टिक्स एक्सेट्रा। कुछ स्कूल्स जो हैं इनडोर गेम्स का भी अरेंज करते हैं बच्चों के खेलने के लिए, जिन बच्चों का इनमें इंटरेस्ट होता है, जैसे कि टेबल टेनिस, चेस, जिमनास्टिक एक्सेट्रा। प्लेइंग गेम्स मेक्स चिल्ड्रन एक्टिव एंड फिजिकली स्ट्रोंग। गेम खेलने से बच्चे का शरीर मजबूत बनता है और वो बच्चा चुस्त दुरुस्त रहता है। दे लर्न टू प्ले एज अ टीम एंड कोऑपरेट विद देयर टीममेट्स। वो टीममेट्स के साथ कोऑपरेट करना सीखते हैं और जो एक टीम के अंदर स्पिरिट होती है, खेलने की भावना होती है, वो भी सीखते हैं।
दे ऑल्सो लर्न टू फॉलो द रूल्स एंड बिकम डिसिप्लिन्ड प्लेयर्स. वो रूल रेगुलेशन का भी पालन करना सीखते हैं और एक अनुशासन वाले प्लेयर्स खिलाड़ी बनते हैं जो हमेशा नियमों का पालन करते हैं. स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एवरी ईयर. हर स्कूल में प्रत्येक वर्ष स्कूल कॉम्पिटिशन्स स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं. द विनर्स आर ट्रेन्ड सो दैट दे एक्सेल इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स. विनर्स जो जीतने वाले बच्चे होते हैं उनको और ट्रेंड किया जाता है जिससे कि जो इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है उसमें वो आगे बढ़ सकें. चैम्पियंस गो फर्दर फॉर स्टेट लेवल नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स. जो चैम्पियंस होते हैं ठीक है जो हमेशा जीतते हैं और चैम्पियन बनते हैं वो आगे चलकर स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं. विनिंग एंड लॉसिंग आर अ पार्ट ऑफ एवरी गेम. हर गेम में जीतना और हारना लगा रहता है. ये गेम का नियम है कोई जीतेगा तो कोई हारेगा. वी शुड नॉट क्राई इफ वी लॉस. हमें कभी भी दुख नहीं मनाना चाहिए रोना नहीं चाहिए चिल्लाना नहीं चाहिए अगर हम हार जाते हैं. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम. और हमें ये सोचना चाहिए नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा हम और करके दिखाएंगे. क्योंकि बच्चों हारने के बाद ही हम कुछ सीखते हैं कि अगर मान लो हम हार गए तो हम सोचेंगे विचार विमर्श करेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी थी हमने ऐसी कौन सी सही तरीके से नहीं खेला जिसकी वजह से हम हारे. उनके ऊपर फोकस करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम उनको हटा देना चाहिए उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए और अच्छे से गेम खेल कर जीतना चाहिए. सम चिल्ड्रन स्टार्ट फाइटिंग व्हेन दे लॉस. और कुछ बच्चे तो यहाँ तक होते हैं जब वो हारते हैं तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं. दिस इज रॉन्ग. यह बिल्कुल ही गलत है. वी शुड प्ले टू एंजॉय द गेम एंड वी शुड नॉट फील बैड इफ वी लॉस. हमें गेम को अच्छे से एंजॉय करके हंसी खुशी खेलना चाहिए और यदि अगर हम हार जाते हैं तो हमें बुरा फील नहीं करना चाहिए. उल्टा जो टीम जीती है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए और वो किस बातों पे जीती हैं उन्होंने कौन सी गलतियां नहीं की है उनसे सबक लेकर नेक्स्ट टाइम हमें भी वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और हमेशा जीतने की भावना मन में होनी चाहिए. ठीक है. और अगर हार भी जाते हैं तो उसे भी एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए. एक्टिविटी 1. Write down the names of all the sporting events held during your annual sports day in school. उन गेम्स के नाम लिखेंगे एनुअल स्पोर्ट्स डे में स्कूल में जब आपको खिलाए जाते हैं. In how many of these events did you participate? और आपने कौन कौन से गेम्स में इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया उसके बारे में भी लिखेंगे. एवरी गेम हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू प्ले. हर गेम के नियम होते हैं जब वो खेला जाता है उससे पहले प्लेयर्स को उसके नियम्स बताए रूल रेगुलेशंस बताए और समझाए जाते हैं. एवरी गेम हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स. हर गेम के नियम होते हैं. दीज रूल्स आर मेड क्लियर टू द चिल्ड्रन व्हेन दे फर्स्ट लर्न द गेम. और ये सारे नियम उन बच्चों को साफ सुथरे तरीके से क्लियरली समझाए जाते हैं जब वो गेम सीखने पहली बार जाते हैं. वी शुड ऑलवेज फॉलो देम. और हमें हमेशा उनका पालन करना चाहिए. चीटिंग इन अ गेम इज रियली बैड. और चीटिंग के करना गेम में वास्तव में बहुत बुरी गंदी बात होती है. इफ वी लॉस यदि हम हार जाते हैं वी शुड एक्सेप्ट इट विदाउट क्रिबिंग. और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए बिना किसी कंप्लेनिंग के. ठीक है. बिना किसी कंप्लेनिंग के कि हम कई बार क्या होते हैं बच्चे कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं सर इन्होंने चीटिंग की हम जीत रहे थे हम हार रहे थे मैडम प्लीज देखो. नहीं, बिना किसी कंप्लेनिंग के उसको एक्सेप्ट करना है आपको.
समटाइम्स वी मेक आर ओन रूल्स टू प्ले अ गेम. कई बार क्या होता है, हम अपने नियम बनाते हैं कोई गेम खेलने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ़ वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन अ स्मॉल ग्राउंड नियर आर होम. हमारे घर के पास एक स्मॉल प्ले ग्राउंड है और वहाँ पर हम क्रिकेट खेल रहे हैं. वी डिसाइड द बाउंड्री लाइन. हमें बाउंड्री लाइन का डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ तक बाउंड्री लाइन रहेगी, डिस्टेंस बिटवीन द विकेट्स एसेट्रा, और विकेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा एसेट्रा. ये सारी बातें हमें पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए बाय आरसेल्स, अपने द्वारा, मतलब जितने भी लोग खेल रहे हैं उनके द्वारा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव अ वेरी स्मॉल टीम टू प्ले द गेम. कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत ही कम मेंबर्स होते हैं, छोटी टीम होती है गेम्स खेलने के लिए. बट वी चेंज द रूल्स बाय डिस्कसिंग अमंगेस्ट आरसेल्स. तो इसीलिए हम रूल्स को चेंज कर सकते हैं आपस में बात करके, डिस्कशन के द्वारा. बट वंस द रूल्स हैव बीन मेड, लेकिन अगर एक बार नियम बन चुके हैं, दे शुड बी फॉलोड प्रॉपरली. उनका बिल्कुल सही तरीके से पालन सभी प्लेयर्स को करना चाहिए. फिर बीच में उनको चीटिंग नहीं करनी चाहिए. डू यू नो द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन विच स्पोर्ट पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टेक पार्ट. आधुनिक युग में जो ओलंपिक गेम्स चले हैं वो सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं और विभिन्न कंट्रीज के स्पोर्ट्स पर्सन उसमें भाग लेते हैं. द गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स. और ये जो गेम्स हैं हर 4 साल के बाद खेले जाते हैं. तो बच्चों, ये अब आपका 5th चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो रही है. आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. नीचे कुछ आपको लेट्स रिवाइज पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है. चलो अब हम इसको भी रिवाइज कर लेते हैं. प्लेइंग इज फन, चिल्ड्रन लव टू प्ले. खेलना एक अच्छी चीज़ है, बच्चे खेलना पसंद करते हैं. एवरी गेम हैज अ सेट ऑफ रूल. हर गेम का नियम होता है. समटाइम्स दीज रूल्स आर डिसाइडेड बाय द चिल्ड्रन बिफोर दे स्टार्ट प्लेइंग द गेम. कई बार ये जो रूल्स होते हैं बच्चों के द्वारा ही डिसाइड कर लिए जाते हैं खेलने से पहले. वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. हमें हमेशा गेम के नियमों का पालन करना चाहिए. विनिंग एंड लॉसिंग आर अ पार्ट ऑफ एवरी गेम. जीतना और हारना हर गेम का हिस्सा है. वी शुड नॉट क्राई इफ वी लॉस. हमें क्राई नहीं करना चाहिए यदि हम हार जाते हैं. देयर शुड बी नो चीटिंग एंड फाइटिंग व्हाइल प्लेइंग. खेलते समय ना ही किसी बच्चे को चीटिंग करनी चाहिए, ना ही झगड़ा करना चाहिए. बच्चों, झगड़ा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, झगड़ना तो वैसे ही गंदी बात होती है. आपस में प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए. ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल. सभी बच्चे जो हैं वो एक समान हैं. वी शुड नॉट हेजिटेट टू बी फ्रेंड्स विद द चिल्ड्रन वी लाइक टू प्ले. यदि हम अपने दोस्तों के साथ, जिनको हम पसंद करते हैं, उनसे खेलना पसंद करते हैं, तो उनके साथ खेलने में कभी भी कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. ऑल स्कूल्स एनकरेज द स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट. हर स्कूल जो है अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा एनकरेज करते हैं, उत्साहित और प्रोत्साहित करते हैं. स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड इन ऑलमोस्ट ऑल स्कूल्स. स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन अधिकतर सभी स्कूल्स में होते हैं. द विनर्स आर ट्रेन टू टेक पार्ट इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स. और विनर्स को दिया जाता है चांस कि वो इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में भाग लें. वी एंजॉय फ्लाइंग काइट्स. मोस्ट ऑफ द इंडियंस फ्लाई काइट्स ऑन मकर संक्रांति एंड इंडिपेंडेंस डे. हमें पतंग उड़ाना भी बहुत अच्छा लगता है और अधिकतर इंडियंस जो हैं मकर संक्रांति और इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर पतंगे उड़ाते हैं. तो बच्चों, अब मैं सोचती हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. वीडियो को ध्यान से बार बार सुनिए, चैप्टर को समझिए, जिससे आपको एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर समझने में, लर्न करने में आसानी हो. ठीक है बच्चों, तो चलिए
आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपने घर पर रहना है, मम्मी पापा का कहना मानना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और घर के अंदर ही रहकर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ गेम्स भी खेलने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए। ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।